वेलकम बैक टू माई चैनल लवार्ट क्राफ्ट। दिस इज़ मी आशा शुक्ला और आज मैं करने वाली एकदम अलग ड्राइंग, जो एकदम अलग चीज़ जो मैंने आज तक कभी भी अपने चैनल में नहीं करी है उस चीज़ से ड्राइंग, मतलब मैंने उसको दिखाया है तो मैंने करा नहीं है। तो आज मैं करने वाली हूँ प्लास्टिक क्रेयॉन से कलर, वैक्स क्रेयॉन्स तो नहीं, ये प्लास्टिक क्रेयॉन्स हैं। सो आप गाइस सोचोगे मैं प्लास्टिक क्रेयॉन्स में, पता है गाइस ऑब्वियसली मुझे कलर करना बहुत पसंद है, तो मैं ये बहुत पुराने कलर्स हैं, आप इनकी हालत से देख सकते हो। ये मैंने आई थिंक 2018 में खरीदा था, मुझे कलर करना बहुत अच्छा लगता था। तो कुछ ऐसा है, MRP इसकी 160 रुपीज़ है, तो आप देख सकते हैं फेब्रुअरी 2018 में पैक हुआ था और मैंने आई थिंक ये दिसंबर 2018 में लिया था। सो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता था वैक्स क्रेयॉन्स। और अब मैं उसको पहले इसका ओपन रखूँगा, ये ओपन हो चुके हैं, आप इनकी हालत देख सकते हो कैसे हैं। और मैं एक और कलर से करने वाली हूँ, इसके अंदर भी प्लास्टिक क्रेयॉन्स है बट ये कैमलिन के हैं, इसके अंदर जो कलर्स हैं वो भी प्लास्टिक क्रेयॉन्स है बट वो डॉम्स के रूप में। मैं ओपन करती हूँ, सो गाइस ये रहे हमारे कलर्स, आप देख सकते हैं ये है हमारे प्लास्टिक क्रेयॉन्स और डॉम्स के, आप देख सकते हैं। सो ये हैं कैमलिन के और ये हैं हमारे एक्चुअल में डॉम्स के। तो आज हम दोनों से करने वाले था, आज हम करने वाला एक प्लास्टिक क्रेयॉन्स ड्राइंग। दिस इज़ आर शीट, हम इसको फिर करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने अपना रफ स्केच तैयार कर दिया है, अब मैं देखूँ कि इनमें से मुझे चाहिए था एक कुछ फ्रेश टिंट कलर, तो यहाँ पर उसमें मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ ये दिख रहा था तो मैंने सोचा ये कर लेंगे और दूसरे कलर में देखें। तो गाइस इस कलर में मुझे कुछ ऐसा खास तो मिल नहीं रहा है, तो हम देखेंगे कौन सा कलर कर सकते हैं। हाँ तो गाइस इन चार कलर से हम लोग करेंगे ये वाला पार्ट रेडी, सो करते हैं। तो जैसे हम लोग ऑयल पेस्टल में लाइट टू डार्क जाते हैं, वैसे इसमें भी लाइट टू डार्क जाएंगे। यानी सबसे पहले दिस कलर, देन दिस कलर करेंगे, फिर ये, फिर लास्ट में ऑरेंज करेंगे हल्का। हमने ये वाला कलर तो कर चुका है, अब हम करेंगे दिस कलर। तो सारे कलर आपको डार्क डार्क करना है बट जो सबसे डार्क कलर है उसको आप एकदम लाइट करेंगे। तो चलिए करके येलो, गाइस हमने येलो कलर तो कर चुका है, अब हम करेंगे येलो कलर। हमने येलो कलर कर चुका है, अब हम लाइट लाइट ये ऑरेंज कलर करेंगे। ऑरेंज कलर में पहले हल्का हल्का हॉरिजॉन्टली वे में करेंगे, फिर हम हल्का हल्का वर्टिकली वे में करेंगे। चारों कलर तो लाइट लाइट कर लिया है, मुझे लग रहा है ना कि हम थोड़ा सा ना ये ब्राउन कलर हल्का सा कर देते हैं, थोड़ा इसमें और जान आ जाएगी। चारों कलर से तो पाथ रेडी कर लिया है, अब हम ये ग्रीन एंड नेक्स्ट कौन सा ग्रीन लें, लेट्स पिक दिस ग्रीन। अब इन दोनों ग्रीन से हम ये वाला पाथ रेडी करेंगे। लाइट ग्रीन तो कर लिया, अब हम करेंगे डार्क ग्रीन। हमारा पाथ रेडी हो गया है, ओशिट। अब हम इन तीनों ब्राउन से हम यहाँ का पाथ रेडी करेंगे। हमने इस वाले ब्राउन से तो कर लिया है, अब हम ये वाला ब्राउन करेंगे जैसे हमने बताया था लाइट टू डार्क। मैंने ये वाला ब्राउन कर चुका है, अब हम लास्ट में करेंगे ये वाला ब्राउन। इन तीनों कलर से हमारा नेक्स्ट पार्ट कर लिया है, अब मैंने सोचा था ना यहाँ पे हल्का हल्का थोड़े ट्रीज बना देते हैं, तो मैं यूज़ करूँगी ब्लैक एंड हल्का हल्का उसके ऊपर ब्राउन। सो गाइस मेरे कैमलिन कलर में भी ब्लैक कलर था बट उनकी जो निप है ना, आप देख सकते हो बहुत ही थिक थिक सी है, तो मैंने सोचा डॉम्स वाले के लिए लेते, उसकी थोड़ी एकदम लाइट थिन सी है, इसके ऊपर हम लोग ये वाला ब्राउन करके ट्रीज बनाएंगे। इस कलर से बनाई थी तो मैंने सोचा इसको थोड़ा शार्प कर लेते हैं, उसका थोड़ा कचड़ा देखो कैसा है, मैंने इसको थोड़ा शार्प कर लिया कि इसकी नेप अच्छी हो जाए, नहीं तो देख रहे हो कितना गंदे गंदे ट्रीज बन रहे हैं हमारे। जैसे हमने ब्लैक कलर से इनकी ट्रीज तो बना रही है, ट्रीज तो मुझे बहुत अच्छी लग रहा है। अब आती है पिंक कलर की बारी, तो देखिए कौन सा पिंक कलर हम करेंगे। अब गाइस हम पिंक कलर से इनकी लीव्स बनाएंगे, जैसे स्प्रिंग में आती है ना लीव्स, वैसे जब मैंने यहाँ पर पिंक कलर के लीव्स भी बना रही है, मुझे थोड़े थोड़े लीव्स नीचे नहीं करते, वहाँ पे मैंने वाला इफेक्ट भी दिया है, मैंने सोचा यहाँ पे एक बड़ा चीज़ बनाते हुए हवा निकलती है। हमारे ट्रीज बन जो है, मैंने सोचा इनके ऊपर हल्का हल्का रेड भी कर देते हैं, सोचा था कि ये रेड होगा बट ये है पिंक, बस पिंक करने के बाद ही अच्छा लग रहा है, कैमरे में भी वैसे ही रेड लग रहा है। अब चलिए हम नाइट का सीन बनाते हैं, इन तीनों को यूज़ करके हम नाइट का सीन भी बनाएंगे। कलर का कलर शॉप वैसे ब्लैक पहले से शॉप था, सबसे पहले करेंगे ब्लैक, फिर डार्क ब्लू, देन लाइट ब्लू। नाइट का सीन तो क्रिएट कर लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने छोटे से चैन भी बनाया है और अब हम बस ये तीनों कलर से करके ये वाइट जगह भरेंगे, यहाँ पे हम लोग ग्रासेस बनाएंगे, फिर हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। कलर कर लिया है,
अब हम बस इन तीन कलर्स का चाहिए हमें। अब गाइस हम ये ग्रीन कलर को यूज़ करके हम ग्रासेस बनाएंगे। ऐसा ग्रीनिश इफेक्ट लाने के लिए मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन कर दिया है। अब हम इन दोनों को यूज करके ग्रास बनाएंगे, पूरा इसको कलर नहीं करेंगे, ग्रास बनाएंगे। मेरी यहाँ पे पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे मैंने ग्रासेस बनाया है, तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे मेरी पेंटिंग। वाओ। सो गाइस मिलते हैं मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ, सारंगे, बाय।